मेकअप 101 एपिसोड नंबर 3। सो इफ़ यू आर न्यू, माय नेम इज़ बिनिश खान। लोग न्यू हैं तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि क्या है असल में ये एपिसोड। इसलिए मैंने स्टार्ट किए हैं कि मुझे बहुत सारे DMs आते थे, बहुत सारे मैसेजेस आते थे लड़कियों के कि हमें आप एक प्रॉपर वीडियोज़ बनाएं जिसमें हम सीख सकें आपसे फाउंडेशन कैसे अप्लाई करना है, कंसीलर कैसे अप्लाई करना है, कंटूरिंग, हाइलाइटिंग और आईलैशेस कैसे अप्लाई करते हैं, आई शेडोज को कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सीरीज़ जो है मैंने इसलिए स्टार्ट की है ताकि आप लोग इससे कुछ सीख सको और जान सको कि किस तरह से आप अच्छे से मेकअप अप्लाई कर सकते हो। सो इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल और रिंग द बेल आइकन सो यू ऑलवेज नोटिफाइड कि मैंने इस तरह की वीडियो अपलोड की है। और ये वीडियोज़ जो है मैं हर फ्राइडे अपलोड करती हूँ। और हाँ, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ किस तरह से आप लोग कंसीलर अप्लाई कर सकते हो ईजीली, और बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने। वीडियो को एंड तक देखना है आपने क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से आप कंसीलर को अप्लाई कर सकते हो, क्रीसिंग से रोक सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कंसीलर अप्लाई करने से पहले अगर आपकी अंडर आइज के नीचे थोड़ी सी डार्कनेस है, लाइक थोड़ा सा ब्लैक है, तो आपको उसको कंसीलर लगाने से पहले आपको उसको कवर करना होगा। सो गाइस, कवर करने से मुराद यहाँ पर ये है कि आपको उसको कलर करेक्ट करना होगा। आपको अगर आपकी अंडर आइज ड्राई हैं तो आप पहले कोई भी फेशियल ऑयल या अपनी आई क्रीम अप्लाई कर सकते हो कंसीलर अप्लाई करने से पहले। करेक्टर पैलेट, और उसमें से आप करेक्टर चूज कर सकते हो और वो अपने डार्क सर्कल पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन बारी आती है अप्लाई कंसीलर। सो कंसीलर जो है मार्केट में डिफरेंट कंसीलर्स आते हैं, मैट कंसीलर, हाइड्रेटिंग कंसीलर, और आप अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी कंसीलर ले सकते हो। मैं यहाँ पर जो है मैट कंसीलर यूज़ करूँगी और अब बारी आती है कि किस चीज़ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो कंसीलर को। आप लोग ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग स्पंज भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ स्पंज यूज़ कर रही हूँ। ओके, ये जो तरीका है एक नया तरीका है जो कि मैंने डिस्कवर किया है फ्रॉम टिकटॉक, और उसमें ये जो कंसीलर अप्लाई करने का तरीका है बहुत ही अच्छा है। सो सबसे पहले आप लोगों ने अपने टियर डक्ट में अप्लाई करना है, नेक्स्ट आपने नोज़ पर अप्लाई करना है, देन आपने आई की कॉर्नर पर इस तरह से अप्लाई करना है, लाइक यू गाइस कैन सी कि इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, और अपनी लिप के कॉर्नर पर आपने इसी तरह से स्ट्रेट लाइन लगानी है। गाइस, ये जो तरीका है बहुत ही अच्छा है, ट्रस्ट मी, एक दफा आप ट्राई करके देखो, आप लोगों को खुद फील होगा। ओके, देन बारी आती है कि इसको ब्लेंड करना है विद डैम्प स्पंज। मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। आप लोगों को इतना ब्लेंड करना है इसको कि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। इसको ब्लेंड कर लेना है आई के कॉर्नर से। ओके, इसको ब्लेंड करने के बाद आप लोग डिफरेंस चेक करना कि कितनी लिफ्टेड लगती है मेरी ये वाली साइड जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, और जो दूसरी साइड है वो कैसी लगती है। लाइक यू गाइस कैन सी द डिफरेंस कि जो मेरी ये वाली साइड है वो लिफ्टेड लग रही है और जो दूसरी साइड है वो थोड़ी सी डल लग रही है। सो ये बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट आप लोगों ने अपनी नोज ब्रिज पर अप्लाई करना है कंसीलर, और फोरहेड पर अप्लाई करना है, और चिन पर अप्लाई करना है। देन आपने अगेन इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्पंज।
सो अब आप लोग देख सकते हो कि मेरी आईज जो हैं वो लिफ्टेड लग रही हैं, टेक्सचर फेस जो है वो लिफ्टेड लग रहा है। नेक्स्ट सेट कंसीलर, आप लोगों को मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कि आप किस तरह से सेट कर सकते हो अपने कंसीलर को। सो फर्स्ट तरीका ये है कि पाउडर से आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट तरीका ये है कि आप लोग इसको सेटिंग स्प्रे से भी सेट कर सकते हो। ओके, अब आपने क्या करना है, सेटिंग स्प्रे लेना है, कोई भी सेटिंग स्प्रे ले सकते हो, मेकअप सेटिंग स्प्रे, और उसको अपने अपने हैंड से हैंड पे आपने प्रेस करना है और फिंगर की मदद से आप डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है आपने इसको, और जब तक ये ड्राई ना हो आपने इसको डैब डैब करके अप्लाई करते रहना है। थोड़ी देर के लिए ये स्टिकी लगेगा लेकिन बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है आपने पाउडर लेना है, कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर ले सकते हो। ड्राई होने के बाद आपने इसको ट्रांसलूसेंट पाउडर से भी सेट कर लेना है। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो हैक है बहुत ही अच्छा है और इससे आपकी जो अंडर आईज हैं वो क्रीस नहीं करती और सारा दिन जो है वो स्टे रहती हैं। ये थी आज की मेकअप 101 की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया कि किस तरह से आप लोग कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, कंसीलर हैक्स बताए हैं, टिप्स दी हैं मैंने आप लोगों को कि किस तरह से आप बहुत अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप, और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सारा सपोर्ट किया है मुझे मेकअप 101 की वीडियो जो है, और जो दूसरी वीडियो है उस पर भी आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, जो यमुना जैदी की वीडियो मैंने बनाई है। सो नेक्स्ट जो वीडियो है मेकअप 101 की वो बहुत ही अच्छी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। सो स्टे ट्यून्ड, और रिंग बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने वीडियो अपलोड की है। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।